अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब होंगे खैर खैरियत से। हैमस्टर कॉम्बैट का एयर ड्रॉप आने वाला है 26 सितंबर को। उसका जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जितने बंदों ने पार्टिसिपेट किया था वो वहाँ पे जाके एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे अपना टोकन देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनको अभी टोकन्स वहाँ पे शो हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमने गेम बहुत ज़्यादा खेला था और हमने बहुत मेहनत की थी और हमें टोकन्स कम मिले। तो एक तो ये है कि लोग भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि तकरीबन कोई 50-60 मिलियन लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो लाजमी बात है, जिसने जितना ज़्यादा मेहनत की होगी उतनी उनको टोकन्स मिलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों को आइडिया नहीं था कि उस गेम को कैसे खेला जाए। ठीक है, जैसा कि वो सिर्फ कॉइन्स बना रहे थे, वहाँ पे कॉइन्स कलेक्ट कर रहे थे, मिलियंस में कॉइन्स कलेक्ट किए थे उन्होंने, लेकिन एयर ड्रॉप के वक्त उनको उन्हीं कॉइन्स को जो वहाँ पे पड़े थे उसका फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पे सारा जो फ़ायदा मिला उन लोगों को जिन्होंने गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उन चीज़ों में जिन्होंने कीज़ ज़्यादा कलेक्ट किए थे, जिन्होंने इनविटेशन ज़्यादा किए थे यानी फ्रेंड्स को ज़्यादा इनवाइट किया था, और जिन्होंने बाकी कॉइन्स इन्वेस्ट किए थे उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कहने का मतलब है कि जहाँ पे इस तरह का गेम हो कि उसमें कॉइन्स कलेक्ट करने होते हैं, तो आप ये ना करें कि आप सिर्फ कॉइन्स कलेक्ट करें और वहाँ पर पड़े रहें। जितने कॉइन्स आपके पास आते हैं वो आप इन्वेस्ट करें, अपना पर हावर बढ़ाएं, PPH जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट पर हावर। जितना लोगों ने ज़्यादा उसका प्रॉफिट पर हावर किया था उनको भी उसका ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो टोटल खुलासा ये है कि आप जब इस तरह कॉइन्स वाला गेम खेलते हो तो उसमें आप कोशिश ये ना करें कि आप कॉइन्स ज़्यादा कलेक्ट करें, वहाँ पे पड़ा रहे। कॉइन्स आप बेशक ज़्यादा कलेक्ट करें, क्योंकि आपके पास कॉइन्स ज़्यादा होंगे तो आप उसका जो उसमें जो कार्ड्स होते हैं उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कॉइन्स आपके पास पड़ा नहीं होना चाहिए, वो कॉइन्स आप दोबारा इन्वेस्ट करें, अपना पर हावर बढ़ाएं, वहाँ पर कार्ड जो मिलते हैं उसको अपग्रेड करें, उसको परचेज़ करें। बाकी ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर वो कॉइन्स इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितना कॉइन्स आपने कलेक्ट कर लिया वो कहीं नहीं जाता, वो अगर आप दोबारा लगाते हैं किसी कार्ड के ऊपर तो आपका काउंट हो जाता है, वो कार्ड वो गेम के अंदर ही काउंट हो जाता है। जितना कॉइन्स आता है उसी गेम के अंदर दोबारा इन्वेस्ट करें, अपना पर हावर बढ़ाएं, और मेन चीज़ अपना लेवल बढ़ाएं। जितना आपकी गेम का लेवल ऊपर रहेगा, जितना आपका पर हावर ज़्यादा रहेगा उतना ही आपको फ़ायदा है। अगर आप फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं कर सकते या फिर इनवाइट करते हैं कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप ये चीज़ लाजमी करें, अपना पर हावर जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ाएं, अपना लेवल बढ़ाएं, जितना पॉइंट्स आता है दोबारा वहाँ इन्वेस्ट करें। इससे आपका गेम इम्प्रूव होगा, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा।